आईपीएल सीजन 13 में चेन्नई सुपर किंग्स का सफर अभी फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। सीएसके की टीम अंक तालिका में फिलहाल छठे पायदान पर है और उसे अपने बचे 6 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबलों में जीत जरूरी है। ऐसे में कल शाम को दिल्ली कैपिटल्स जो इनफॉर्म चल रही है उसके खिलाफ होने वाले मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने अपना तुरूप का इक्का निकालने का बड़ा फैसला लिया है। जी हां, खबरों की माने तो कल के मुकाबले में स्लो पिच पर इमरान ताहिर को मैदान पर उतारा जा सकता है और उसी के साथ धोनी और भी बड़े बदलाव कर सकते हैं। बदलाव प्लेइंग 11 में बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी हैं। सैम करन को लेकर धोनी पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो उनके बैटिंग ऑर्डर में कभी भी बदलाव कर सकते हैं। साथ ही धोनी ने ये भी कहा कि वो खुद को भी ऊपर प्रमोट करेंगे, यानी कि सैम करन और एमएस धोनी को हम बल्लेबाजी करते ऊपर देख सकते हैं। वहीं दिल्ली को हर हाल में हराने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कप्तान एमएस धोनी ने कैसी चाल चली है जो एक सरप्राइज पैकेज हो जाएगा। बता दें आपको कि करण शर्मा की जो बेहतरीन फिरकी है उन्हें एक पिंच हिटर के रूप में टीम में उतारा जा सकता है। साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स जो कि हर हाल में मैच जीतना चाहती है उसे ऐसा प्रदर्शन करना होगा जो शायद उसने कभी ना किया। आपको बता दें कि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। 2010 में भी चेन्नई सुपर किंग्स कुछ इसी तरीके की पोजीशन में थी और उसके बाद उन्होंने धड़ाधड़ मैच जीते और साथ ही आईपीएल भी जीत लिया। कुछ इसी हालात और इसी कंडीशंस के साथ फिलहाल सीएसके की टीम ऐसे ही गुजर रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सीएसके की टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन करती है। एक बात तो तय है कि दिल्ली कैपिटल्स को हराने के लिए धोनी का तुरूप का इक्का क्या काम आएगा, ये देखने वाली बात होगी। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।